हाँ जी डियर्स असल अच्छा जी टाइम वेस्ट किए बग़ैर मैं आपको एक बहुत अच्छी न्यूज़ देने जा रहा हूँ उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनके कोई भी सब्जेक्ट फेल हो चुका है या उनका एफ़ लिखा हुआ है या फिर इसके साथ साथ जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो समझते हैं जी कि हमारे नंबर हमारी रेंज से कम आए हैं मतलब कि जो उन्होंने एक्सपेक्ट किए हुए थे उससे कम आए हैं नंबर तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि आप देख रहे होंगे या आप सुन रहे होंगे कि भाई लेटेस्ट अपडेट आई है कि अपडेट हो रहा है रिज़ल्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रिजल्ट अपडेट हो रहा है उन स्टूडेंट्स का जिनका कोई हल्का फुल्का भी इशू था या जिन्होंने मेल की थी ठीक है जी तो इसीलिए मैं आपके लिए एक न्यूज़ लेकर आया हूँ कि जो जो बंदे अपडेट कर रहे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने उनका रीचेक करके विदाउट एनी फी विदाउट एनी फी मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट वो उनका रीचेक करके उनके रिजल्ट अपडेट कर रहे हैं इसलिए आप भी एज सुन एज पॉसिबल आप अपनी जो है मेल करें विव्यू की मेल अगर मेल करने का तरीका नहीं आता तो, तो मैं इसी वीडियो में आपको मेल करने का तरीका भी बता सकता हूँ अगर नहीं अगर आपको तरीका आता है तो आप यहीं से वीडियो को स्किप करके जाकर मेल कर सकते हैं ठीक है जी मेल करने से आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मे बी मे बी मे बी के आपका कुछ भला ही हो जाए ठीक है जी अभी मैं आपको मेल करने का तरीका बताता हूँ जी सेंड मेल टू वी एज सुन एज पॉसिबल ठीक है जी उसके बाद मेल करने का बेस्ट तरीका ये है अच्छा आपने अपने जो है ना उसके सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टर वा, वाली जो है ना आईडी पर नहीं करना आपने एक चीज होती है जब भी आ, आप मेल करते हैं एक फॉर्म होता है एक टू होता है फ्रॉम में आपने अच्छा जी फ्रॉम में आपने जो है ना अपनी वीव की आईडी देनी है जो कि आपने पहले अपनी रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने आईडी दी थी वीव मेल आईडी से और टू में आप इन में से कोई भी आईडी देकर इन चारों में से किसी भी आईडी पर मेल कर सकते हैं ठीक है जी आप इन चारों में से किसी भी आईडी पर मेल कर सकते हैं उसमें मेल के बाद एक सब्जेक्ट का ऑप्शन होता है जिसमें आपने अपना पर्पज लिखना है कि आया कि आपके मार्क्स कम है या फिर आपका एफ ग्रेड है या फिर आप एम फलाह के लिए या साइकोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या जिसके लिए भी कर रहे हैं जिस मौजू पे कर रहे हैं ये सब्जेक्ट का मतलब होता है मौजू, मौजू क्या है आपका ठीक है जी उसके बाद नीचे आपने थोड़ा लिखना है मैंने इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा नहीं तो मैं कुछ इंग्लिश लिख सकता था लेकिन मैंने क्यों नहीं लिखी क्योंकि आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो कॉपी पेस्ट को वो फिर यही कहेंगे जी कि ये इनके सर पर बूथ सवार था बस इन्होंने जो है ना कर दी मेल लेकिन इसका मेन मकसद ये है जी कि आप इनको लिखें सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली इट्स अम्बल रिक्वेस्ट टू यू डैट प्लीज़ री चेक माई असाइनमेंट क्विजेज जी डी बी आई गॉट सेवेंटी परसेंट मार्क्स या व्हाट्सएप और जितने भी आपने जो है ना असाइनमेंट जी डी बी और क्विज़ में नंबर हासिल किए हुए हैं वो लिखें इनको बताएँ कि मैंने अच्छे जो है ना पेपर दिए थे अच्छा मिड टर्म हुआ था लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स जो है ना कम आए हैं और एफ ग्रेड लगे हुए हैं नंबर कम है तो आप उनको एज सुन एज पॉसिबल हो मेल करें और साथ लिखें कि काइंडली रिव्यू माय मार्क्स और एंड पे आपने अपना नाम और रिव्यू आई देना नहीं भूलनी ठीक है जी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो इन शाह बहुत से लोगों का जो है ना इस वीडियो से फ़ायदा होगा अगर आपको अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को कॉन्सेप्ट बिल्डर को ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सके ठीक है जी अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़